और यह वीडियो बच्चों एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है कनेक्टिंग वायर का, तो कनेक्टिंग वायर के लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है वह क्या होता है बच्चों? कॉपर होता है। ठीक है, यह सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। फ्यूज जो होता है वह किस मटेरियल का बनता है? तो बच्चों याद रखना इसके लिए लेड टिन एलॉय का यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, सी नंबर सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए, लिखा हुआ कि ए 220 वोल्ट एंड 1000 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू इतना 110 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब विल बी। इसके द्वारा पूछा है कि पावर कितना कंज्यूम होगा बल्ब के द्वारा। तो बच्चों याद रखना, ठीक है, इसको तो हालांकि सोल्व करना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं तरीका कैसे सोल्व कीजिएगा। इसमें पावर दिया हुआ है बल्ब का, कितना दिया हुआ है बच्चों? 1000 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है यह 220 वोल्ट। अच्छा, यह बल्ब का इंफॉर्मेशन से ध्यान रखना है, ठीक है, जो बल्ब है ना उसका इंफॉर्मेशन से, और जितना सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं उसका वोल्टेज अलग है, वह 110 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, तो पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, बल्ब के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों ऐसे वी स्क्वायर बटे आर, यह पावर का फॉर्मूला है। हमें पावर निकालने के लिए रेसिस्टेंस भी चाहिए और वोल्टेज भी चाहिए। क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। अब कहेगा सर ई वाला पावर दिया हुआ है, नहीं बाबू, ये तो पावर जो है ना ये बल्ब पे लिखा रहता है। ओके, तो हम पावर का फॉर्मूला के लिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, और यहाँ पे भी कितना यूज करेंगे बच्चों, 110 मतलब कि 110 वोल्ट, और रेसिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे, रेसिस्टेंस इस वाला से रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आइए पहले रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर बट्टा पी, ये वैल्यू आएगा, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वी के जगह पे ई वाला यूज करिएगा, 220 वोल्ट इंटू कितना हो जाएगा 220, अब बट्टा कितना पावर, या 1000 दिया हुआ है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से इसका 10 कैंसिल, या आएगा 22 इंटू 22 बट्टा 10, इतना ओम चलाएगा बच्चों। यह हो गया रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब देखो इतना ओम रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, अब इस रेसिस्टेंस का यूज करो फिर पावर निकालने में। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, वी स्क्वायर बट्टे आर, अभी दिया है ना सप्लाई कितना पे है बच्चों, 110 वोल्ट पे, मतलब ये जो बल्ब जुड़ा है ना ऐसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये बल्ब है और ये जुड़ा हुआ है जिस सप्लाई से, उसका वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट ए, तो ये हम रखेंगे यहाँ पे 110 गुणे हो जाएगा फिर 110 वी स्क्वायर कर रहा है ना, और आर का वैल्यू यह पुट कर लेंगे 22 इंटू यहाँ से 22 अब बट्टा कितना 10, देखिए कुछ कटने वाला तो काट दीजिए, इससे यह कट जाएगा टू टाइम्स में, इससे यह कट जाएगा टू टाइम्स में, ऊपर में 10 10 दोनों में है, ये चला आएगा बच्चों 10 गुने 10 गुने नीचे वाला है 10 अब बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, देखो कुछ कटने वाला है क्या, काटो कुछ कट जाएगा, यह टू टाइम्स सॉरी 5 आएगा यहाँ पे कितना 2, ये भी कितना 5, तो यह कितना आ गया बच्चों 525 250 220 वोल्ट 250 सॉरी 250 वाट हो जाएगा इसका वैल्यू, 250 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, सी इसका सही आंसर होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं ना, इसलिए क्या होगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, कह रहा है कि इफ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीजेज देन इट इज। देखिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चों इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टर में क्या होता है कि जनरली रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, लेकिन अगर सुपर कंडक्टर होगा ना तो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो यह याद कर लीजिएगा सुपर कंडक्टर ए में क्या होगा सही आंसर इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया हुआ है, ए वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर
इतना। देखो यार हीटर का रेटिंग दिया हुआ है, और रेटिंग में क्या है, पावर दिया है और वोल्टेज दिया हुआ है। इज कट इन कट फ्रॉम मिडिल, देखिए एक वायर है और इसके हम इसके पार्ट को मतलब कि इसके लेंथ को आधा से कट कर देते हैं। अच्छा आधा से कट करोगे तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। अगर मान लो कि इसका पहले रेसिस्टेंस आर है तो कट करने पे ये कितना हो जाएगा, आधा आधा बचेगा ना ऐसे, तो इसका रेसिस्टेंस कितना आर बटा टू, और इसका भी कितना हो जाएगा आर बटा टू। डीज आर दिस पार्ट आर कनेक्टेड टूगेदर इन पैरेलल, और दोनों को उठा करके कैसे बच्चों पैरेलल में इसको जोड़ देते हैं ऐसे पैरेलल में, और कनेक्टेड टू सप्लाई, और कितना का सप्लाई से जुड़ा जाता है, ये कहा हुआ है कि 200 वोल्ट के साथ में इसको जोड़ देते हैं। तो पावर लिबरेटेड इज नाउ, अब कह रहा है कि इस वाले से ना कितना पावर निकलेगा, पावर का वैल्यू आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन सही है। अब देखो हम पावर कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम इसके लिए लिखे पावर का फॉर्मूला तो लिखेंगे ऐसे पी इक्वल टू, और यहां से हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर इक्विवेलेंट, यही तो लिखेंगे क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आर इक्विवेलेंट होगा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो ये आर बटा टू है क्योंकि एक का वैल्यू कितना है आर बटा टू, यहाँ पे देख लो एक बार हम लिख लेते हैं यह कितना है आर बटा टू है, और ए भी कितना आर बटा टू, तो यह पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा आर बटा फोर हो जाएगा, तो इसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आर बटा फोर आधा हो जाता है बच्चों पैरेलल में रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब हमको रेसिस्टेंस मालूम हो गया, ये वैल्यू मालूम हो गया, वोल्टेज हमको दिया है ना 220 निकाल लेंगे। देखिए हम पहले वाला से यूज करके क्या करेंगे, पहले वाला का पावर निकाल लेंगे, इसमें रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, तो यहां से पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटा कितना आर, ये जो रेटिंग दिया होता है ना इसके यूज करके आपको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस का वैल्यू पहले निकालना है, इस वाला आर का वैल्यू क्योंकि ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप आर का वैल्यू निकालिएगा ना, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो 200 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अब बट्टा पावर कितना है बच्चों 1000, आप इसको सोल्व करोगे ना तो आएगा वैल्यू देखो कितना, ये चला आएगा आर इक्वल टू, या एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसका दो जीरो बचेगा या फोर हो जाएगा आ इनटू या 10 इतना हो जाएगा, इतना यानी आर का वैल्यू चलाएगा बच्चों यहाँ से 400 ओम चलाएगा। अब हम आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, आर इक्विवेलेंट देखो यहाँ से आर बटा फोर है ना, ये कितना चलाएगा बच्चों 100 चलाएगा, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल दिए यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे नाउ या पी इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, तो फिर कितना है बच्चों 200, तो इसका स्क्वायर करेंगे अब बट्टा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 100 हो गया, देखो ये कट जाएगा दो जीरो से दो जीरो, तो पावर कितना चलाएगा यहाँ से बच्चों हो जाएगा या 400, 400 वाट हो जाएगा। ओके देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, इसमें गलती से बच्चों 40 वाट लिखा हुआ है, ठीक है यह क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा और यह 400 वाट हो जाएगा, ये नंबर आंसर हम लिखेंगे लेकिन 400 वाट है बच्चों यह। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, कह रहा है कि यू आर गिवन 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम, सबका वैल्यू कितना है 1 ओम है, द मैक्सिमम रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय देयर कॉम्बिनेशंस। देखो 3 रेसिस्टेंस है और आपको यह मालूम है कि बच्चों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, तो मैक्सिमम मिलेगा सीरीज में जोड़ने से, सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है आर वन प्लस आर टू प्लस यहाँ पे आर थ्री, तीनों को एड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 ओम एक का वैल्यू है, तीनों को एड करोगे तो कितना आएगा 3 ओम, यानी डी क्या होगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है बच्चों इनफिनाइट होता है, तो इसका ए क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 0 होता है, या ए क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है उसका एस आई यूनिट क्या होता है बच्चों याद रखना,
केल्विन इनवर्स होगा, क्या होगा केल्विन इनवर्स, कहां लिखा हुआ है बी नंबर में, ठीक है बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, आर इक्वल टू और आर नॉट वन प्लस अल्फा और यहाँ से डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अल्फा क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। निकालोगे तो ये तो कट जाएगा ना बच्चों, वन बटे टी जाएगा इसका वैल्यू डेल्टा टी और ये चलाएगा बी नंबर। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। लिखा हुआ है कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 3 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो यह टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट हुआ है यह बच्चों बहुत कम है, ठीक है 3 डिग्री ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो होगा ना वह टेम्परेचर कोफिशियंट वह क्या कॉन्स्टेंट रहेगा। हालांकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू चेंज होता है लेकिन इतना कम है कि हम इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर सही होगा। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। हीट जनरेटेड बाई 100 वाट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए यहाँ पे क्या है ना, पावर आपको दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 100 वाट और टाइम दिया है बच्चों 2 मिनट। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 120 सेकंड हो जाएगा। ओके 120 और आपसे हीट का वैल्यू पूछा गया है तो हीट इक्वल टू कितना होता है, पावर इनटू टाइम होता है। वैल्यू यहां से निकाल देना, ये हो जाएगा 100 इनटू टाइम का वैल्यू कितना है 120 मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना है 10 कटेगा नहीं, यह 12 × 10³ हो जाएगा। ऐसा क्या लिखा हुआ है क्या यहाँ पे डी नंबर में, तो डी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि अ हीटर इज रेंज्ड रेटेड एट इतना, इट्स रेसिस्टेंस इज। अब देखो एक हीटर दिया हुआ है और इसका रेटिंग दिया हुआ है इतना, रेटिंग में पावर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1000 वाट और वोल्टेज का वैल्यू लिखा है बच्चों 230 वोल्ट है और हमसे पूछा क्या है रेसिस्टेंस का वैल्यू R इक्वल टू कितना होगा। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बट्टे R, यहाँ से R का वैल्यू निकालिएगा ना तो यह हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा P, वैल्यू रख दीजिएगा तो V स्क्वायर मतलब कि 230 आगुने यहाँ से 230 अब बट्टा P का वैल्यू कितना है यहाँ से 1000 है, रखिएगा इसको सोल्व कर लीजिएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 20 कैंसिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 23 × यहाँ से 23/10। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू चलाएगा, ठीक है अब वैल्यू आएगा कितना बच्चों देख लेना तुमको, ठीक है यहाँ पे सोल्व करके लगता है कि यह डी नंबर इसका आंसर होना चाहिए था। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन। हीटिंग करने पर मेटल का रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस तो इंक्रीज करता है, रेसिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, द किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पे पॉइंट लॉ कह रहा है ना, याद रखिएगा पॉइंट लॉ को ही करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है ये किसको ओबे करता है बच्चों, चार्ज कंजर्वेशन को, तो बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड। बच्चों इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है तो रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट डेवलप होता है ना, रेसिस्टेंस क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों कि द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन कंडक्टर इज डिफरेंट इन। क्या पूछा है कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो का कॉज है वह क्या है, और यहाँ पे लिखा है रेसिस्टेंस टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन ऑफ दिस। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखिएगा पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है कि करंट फ्लो करता है, यहाँ पे सही टर्म लिखा नहीं है पोटेंशियल, तो लिखा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा है लेकिन आप इसको टिक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके आइए, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस इसका सही आंसर होना चाहिए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। व्हेन अ सेल ऑफ 2 वोल्ट सॉरी ईएमएफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट द मैक्सिमम करंट 5 एम्पीयर इज ऑब्टेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना कि ई आर इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इनटू आर, यह फॉर्मूला होता है जहां पे वी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I इक्वल टू करंट और R को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा जब भी मैक्सिमम करंट कहे ना, क्या कहे मैक्सिमम करंट कहे, तो इस वाले कंडीशंस में V का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों जीरो। अब कहेगा सर V का है जीरो तो इसमें R का वैल्यू जीरो हो जाता है और R को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। याद रखना है अगर शॉर्ट सर्किट भी कहीं पे क्वेश्चन में कहा हुआ है तो एम वैल्यू जीरो करेंगे, इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना हो जाता है जीरो हो जाता है। अब यह भी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वैल्यू बच्चों ई का वैल्यू रख दो यहाँ पे टू है आर इक्वल टू, आई के जगह पे कितना है फाइव आर इंटू आर, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल दोगे तो कितना आएगा टू बटे फाइव, इसको सोल्व कर लोगे ये कितना चलाएगा 0.4 चलाएगा, इतना ओम हो जाएगा। देखो कहाँ लिखा हुआ है ए नंबर में लिखा हुआ है तो ए अपना सही आंसर है। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि इफ द रेसिस्टेंस इन अ सर्किट एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी का वैल्यू सेम है या क्या है बच्चों कांस्टेंट है और रेसिस्टेंस कितना हो गया है आधा हो गया है, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया मान लो कि R1 पहले था तो उसका आधा हो गया। हीट जनरेटेड विल बी, हीट जो जनरेट होता है वह कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी कांस्टेंट होगा ना तो ए वाला फॉर्मूला लिखते हैं वी स्क्वायर बटे आर वाला। अगर कहता है कि बच्चों करंट का वैल्यू कांस्टेंट है तो हम आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों की, बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो भी कांस्टेंट कहेगा तो भी स्क्वायर बटे आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और देखो इसमें एच जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एच का वैल्यू क्या होगा घटेगा बच्चों। अगर यह मान लो कि आधा हो जाए तो कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, ठीक है, और यह अगर दुगुना होगा तो यह आधा हो जाएगा। हालांकि इसका फॉर्मूला कितना चलेगा हम लिख देते हैं यहाँ पे देखिए, यह H2 अबट्टा यहाँ से निकालिएगा ना H1, यहाँ से आ जाएगा R1 अबट्टा R2, यह फॉर्मूला बन जाएगा। आ इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा, R2 का मान दिया हुआ है R1 बट्टा 2, तो यहाँ से निकालिएगा ना, हम आपको आंसर बता दिए हैं कि ऐसे ही आंसर आप निकाल सकते हैं लेकिन हम सोल्व करके बता देते हैं आपको, यह R1 है और यह कितना हो जाएगा R2 के जगह पे यह R1 अबट्टा यहाँ से 2, ये कट जाएगा 2 चल जाएगा ऊपर में, तो यहाँ से H2 जो होगा ना वो 2 आर इनटू H1 हो जाएगा। ओके यानी ट्वाइस हो जाएगा रेसिस्टेंस आधा तो यह दुगुना हो जाएगा, डबल बी में बी नंबर अपना सही आंसर। नाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 19 से, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम। देखो बच्चों अगर चार्ज पॉजिटिव हो, चार्ज क्या हो पॉजिटिव हो, तो यह हायर पोटेंशियल से कहां जाता है लोअर पोटेंशियल की ओर, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो यह कैसे फ्लो करता है बच्चों लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, याद रखना। तो यहाँ पे नेगेटिव कहां है ना, तो क्या हो जाएगा लोअर से हायर, ठीक है, तो इसका ए नंबर क्या होगा सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हिट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, व्हिट स्टोन का यूज क्या करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो बच्चों आपको सभी को याद होगा कि रेसिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं, तो सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। और हाँ बच्चों हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अगले पार्ट को 21 से हम लोग 40 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए।